नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मोरा न्यूज। फिल्मोरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय रीजनल ओलंपिक 2019 का उद्घाटन 14 व 15 जून को मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया। हंस फाउंडेशन के सहयोग से सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट और नेशनल ओलंपिक ऑफ इंडिया द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 400 से अधिक विकलांगों ने भाग लिया। रीजनल ओलंपिक ने कई हितकारी योजना जैसे सरकार, कॉर्पोरेट घराना, क्राउड फंडिंग, निवेशक, विकलांगों के कौशल की सराहना और मदद के लिए स्टार्टअप के साथ साथ कई लाभकारी योजनाएं जुड़ी हैं। रीजनल ओलंपिक 4 क्षेत्र और 10 व्यवसायी भागों में बांटा गया है। स्पोर्ट्स, खाद्य सामग्री, ज्वेलरी डिजाइन, ड्रेस डिजाइनिंग, ब्यूटी सैलून, वास्तुकला में विजेता नेशनल ओलंपिक में ओपन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। चीन में होने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक 2020 में इन्हें भारत के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। साथ ही इस अवसर पर भारत पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के एमडी संजय भाटिया, आशीष कुमार चौहान, कांगन जनरल काउंसिल अमेरिका डिसिल्वा सुजैन, ब्राजील काउंसिल जनरल रूपा नाइक, लव वर्मा, कृष्ण कालरा, डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल संस्थापक एवं सीईओ, साथ ही इन सभी का क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर, आज का ये जो इवेंट था, कार्यक्रम था, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो ये प्रोग्राम, जैसे सर ने बताया कि ये 2 दिन का प्रोग्राम है और आज और कल रीजनल कॉन्फ्रेंस रहेगा जिसमें 5 पैनल रहेंगे। सुबह इनॉग्रल पैनल था, उसके बाद CSR पैनल, जो यहाँ के जो बड़ी कंपनियाँ हैं लाइक क्रेडिट स्विस, कैपजेमिनी, उन सबके लोग यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सेकंड हाफ में हमारा मीडिया पैनल रहेगा जिसमें महेश भट्ट जी और पूजा भट्ट आएंगे और बहुत सारे मीडिया हाउसेज रहेंगे। कल सुपर आइडल पैनल रहेगा जिसमें जो दिव्यांग बच्चे हमारे आसमान छू रहे हैं वो अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिर जो कॉरपोरेट्स इन बच्चों को हायर कर रहे हैं वो, और शाम को वैलिडिक्ट्री जो इन बच्चों में जीतेंगे उनको हम लोग वो करेंगे। तो एक पार्ट तो कंपटीशन एक ये है। सेकंड विल बी हमारे जो बच्चे आज कंपटीशन कर रहे हैं 10 ट्रेड में, उनको अलग अलग ई स्पोर्ट्स में, ज्वेलरी में, आपका ज्वेलरी में, ई स्पोर्ट्स में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कंपटीशन है, टेलरिंग, स्टिचिंग, बेकरी, इस तरह के 10 प्रकार के कंपटीशन है। और कल एक रोजगार मेला भी होगा जिसमें करीब हम लोग 300 दिव्यांगजन पार्टिसिपेट करेंगे और 25 कंपनियां करेंगी। तो ये पूरे 2 दिन का एक अच्छा पैकेज है जो कि दिव्यांगजन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। और मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही ऐड करना चाहता हूँ, डॉक्टर अग्रवाल जो इसके फाउंडर हैं, सार्थक के नायक, उन्होंने सब आपको बता दिया। आप कभी जाके इन बच्चों को देखें जहाँ पे एक्चुअली काम करते हैं, जैसे हमारे ट्रेंड लोग हैं लेमन ट्री होटल्स में काम करते हैं और एजेस में काम करते हैं, कैप जेमिनी में काम करते हैं, ये लोग वहाँ पे अपने जो एबल बॉडीड कोलीग हैं उनसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। और हमने लेमन ट्री होटल के चेयरमैन से पूछा कि कैसे वो लोग कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा काम कर सकते हैं। उन्होंने हमें एक्चुअल फिगर बताई कि हमारी जो हाउसकीपिंग टीम होती है वो 20 बेड्स करती थी दिन में, एक टीम 2 बंदों की, ये जब से आपके लोग आए ये 25 बेड करते हैं। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है, इनको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, वो कहते हैं, और उनके फायर इन द बेली होती है, वो प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को कि हम इक्वल काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पे मेक माई ट्रिक में मैंने देखा कि एक बच्चा जो हाथ से नहीं टाइप कर सकता था तो उन्होंने उसके लिए एक कीबोर्ड बना दिया जो वो पाँव से अपने टोज से करता था और लोगों से फास्टर टाइपिंग करता था। कहने का सिर्फ यही मतलब है कि एक बार अगर वो एक दृढ़ अपने मन में बना लेते हैं कि हमने जीतना है दुनिया को तो जीत सकते हैं, कोई उनकी डिसेबिलिटी उनके काम में नहीं आती। और ये कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज करने का, उनको अब्रॉड ले जाने का, उनको रिकग्नाइज करने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है, एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उनके मन में हौसले उनके बुलंद होने चाहिए, उनको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमें मौका दिया जाए तो। क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारे लोग, हमारे शुरू में फैमिली ही सपोर्ट नहीं करती है, तो वो अब चेंज हो रहा है। सार्थक ने जो काम किया है पिछले 10 सालों में और ये नाई में जो काम हो रहा है उससे काफ़ी कुछ जो स्टेट ऑफ द माइंड है, मतलब वो थिंकिंग चेंज हो रही है लोगों की कि ये PWDs नहीं है, ये पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं,
अगर उनकी ईश्वर ने उनको कोई एक फैकल्टी नहीं दी है तो और बढ़ जाती है। दुनिया में बड़े बड़े, सबसे बड़ा एक सिंगर हुए स्टीवी वंडर के नाम से हुए, सबसे बड़ा एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हुए स्टीफन हॉकिंग के नाम से, दोनों पीडब्ल्यूडीज थे, या लुई ब्रेल हुई है जिन्होंने ये ब्रेल लैंग्वेज पूरी बनाई, या हेलेन कीलर हुई है। तो ये इन जिन्होंने डेफ एंड डम इंस्टीट्यूट सारी दुनिया में बनाए, और मैंने आज वहाँ मेंशन किया था कि जो स्कूल हेलेन कीलर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में है उसके सब बच्चों ने SSC में 70% से ज़्यादा मार्क्स में वो पास हुए, और जो एक बच्चे जिसने टाइप किया इंस्टीट्यूट की, एक लड़की है काजल, 84% मार्क्स से पार हुई है, और खुद उसने अपने सारे पेपर लिखे, विजन में प्रॉब्लम है और हेयरिंग में प्रॉब्लम है लेकिन उसने किया है। तो खाली इनको उत्साहित करने की ज़रूरत है, इनको सबको पता चलना चाहिए, एक्सेस मिलनी चाहिए उनको। वो ना तो चैरिटी चाहते हैं, ना सिंपथी चाहते हैं, ना वो कोई ये चाहते हैं कि खाली मतलब वो CSR के लिए उनको जॉब दी जाए। जॉब उनको तो दी जाए अगर वो इक्वल फुटिंग पे काम कर सकते हैं सबके साथ, और हमने देखा है कि वो करके दिखाया है उन्होंने। क्यों डॉक्टर साहब, आपने बहुत जगह देखा होगा कि ये लोग जो है कोई किसी से पीछे रहने वाले नहीं है। तो हमारा खाली ये कॉम्पिटिशन करने का यही मतलब होता है कि उनको सोसाइटी में रिकग्निशन मिलती है, दूसरों को उत्साहन मिलता है, प्रोत्साहित तो होते हैं और वो और आगे आते हैं। एक आदमी अगर सीख जाता है, नौकरी उसको मिल जाती है, 10 आदमियों को आगे जाके बताता है। और आप लोग इसमें हमारी सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं क्योंकि मीडिया की पहुंच सब जगह तक होती है, और हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने हमें ये आज मौका दिया, ये जगह उन्होंने हमें दी, सारा बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया, उनके हम बड़े आभारी हैं और आप लोगों के बड़े आभारी हैं कि आप लोग यहाँ लार्ज नंबर्स में आए, और होपफुली आपके चैनल्स के थ्रू जो है दुनिया में बहुत लोगों को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, किस प्रकार का रहा अनुभव, और कुछ बच्चे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर किए होंगे जो देश और समाज को लेसन मिल सके, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? हम बताएंगे, डॉक्टर अग्रवाल बताएंगे। तो इस तरह की, जैसे मैं शेयर कर रहा था सुबह इनॉग्रल पैनल में भी, कि जब बच्चा, जैसे एक बच्ची थी, एक मैं हैदराबाद सेंटर में करीब 3-4 महीने पहले था, देर वॉज ए वुमेन, वो 35 ईयर्स की थी, एंड देट वो शी बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, और उसका शादी कर दिया था 20 साल में, एंड शादी के बाद में उसको एक्सीडेंट में उसका डिसेबिलिटी हो गया, तो उसके उसके 2 बच्चे भी थे, एंड उसको पेरेंट्स ने रिजेक्ट, उसके हस्बैंड ने उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड शी वॉज स्ट्रगलिंग बिकॉज उसकी मदर उसको जब सार्थक सेंटर में लेके आई हैदराबाद में, तो शी वॉज, वो कोई काम नहीं कर पा रही थी, बच्चों का कौन लालन पोषण करेगा, बट शी ज्वाइंट अवर हैदराबाद सेंटर, और वो आई वॉज हैप्पी टू मीट हर दैट डे, कि वो उसने बताया कि वो अब 25,000 रुपीज़ महीना कमा रही है, और उसकी माँ ने जब बोला कि ये मैं इस पे डिपेंडेंट हो गई हूँ, पहले ये मेरे पे डिपेंडेंट थी, तो जो आपको सुकून मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो ऐसा लगता है कि आई थिंक ये जी ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे सर एबिलंपिक्स की बता रहे थे, एक सौरभ सैनी एक हमारा कैंडिडेट है जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, और जो लास्ट जो हमारा पहली वाली साइकिल में जब पेंटिंग का कंपटीशन हुआ तो वो गोल्ड मेडल जीता दिल्ली में, और उसको हम लोग दुबई लेके गए वहाँ पे एक वर्ल्ड स्किल एशिया के कंपटीशन में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए टैलेंट और पीपल विद डिसेबिलिटी। तो जब उससे अरबी लोग उसकी पेंटिंग्स खरीदने के लिए आए तो उसने बोला कि आई डोंट गिव इट फ्री बिकॉज दीज आर मेड, इस पर कुछ पे करना पड़ेगा, मतलब यू टू पे टू बाय दीज पेंटिंग्स, और उसने वो बच्चे ने वो 5,000 धीरम में जो है वो पेंटिंग्स बेची, तो उसका जो सेल्फ एस्टीम था, सेल्फ था, वो कितना मोटिवेट हुआ, और अब ऑनलाइन पेंटिंग बेचता है वो उस तरह से। तो इस तरह से जैसे बताया ना, 16,000 स्टोरीज हैं हमारे पास, अगर आप आएंगे सेंटर्स पे आएंगे, जैसे मिलेंगे बच्चों से, तो आपको हर स्टोरी का एक अलग आनंद मिलता है, एक अलग सुकून मिलता है, और वो मोटिवेट करता है आपको कि और काम करें, बिकॉज वो कितने जीवन बदल देता है, और वो एक नहीं, उस बच्चे की फिर शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, परिवार, वो पूरा समाज उसको अलग नज़र से दिखने लग जाता है, और वो फिर लगता है कि यही एम्पावरमेंट है, और इसीलिए जीवन ईश्वर ने कृपा किया है। डॉक्टर साहब, सार्थक का सोल, अगर बात करें सोल की, आत्मा की बात करें, सार्थक की जो आत्मा है वो दिव्यांग जन को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है, उसको लाइवलीहुड देके उसको रोजगार देना है, वो सार्थक की आत्मा है। क्योंकि जब मैं खुद स्ट्रगल किया 2004 से 2007 में, मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल था, मैंने देखा कि मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो और लोगों के लिए क्या होगा, और वो एक
फ्रस्ट्रेशन जो था वो एक जो एक लर्निंग थी उस दौरान कि अगर आप डिसेबल्ड हो जाते हैं इंडिया में तो आपके लिए जीवन, आपका समाज सब कुछ बदल जाता है आपके लिए, वो दूसरे आईने से देखने लग जाता है। तो जब मैं ऐसी संस्थाओं में रिसर्च करके गया, देखा कि वहाँ क्या कुछ इस तरह का काम हो रहा है तो नहीं पाया। वहाँ पे उनके लिए खाना खिलाने के लिए कोई आ गया, कोई चैरिटी करने आ गया, कोई अप्लायंस देने आ गया, बट नौकरी की बात नहीं करते थे। और फिर यही एक धारणा बनी, यही ईश्वर ने फिर संदेश दिया कि नौकरी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करो, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के बाद उस जीव, उस बच्चे का इंक्लूजन भी हो जाता है, परिवार भी उसको अलग नजर से देखता है, समाज भी, और वो भी फिर उसी ना अपना सीना चौड़ा करके चलने लग जाता है और जीवन जीने लग जाता है। मैं इसमें सिर्फ एक वर्ड ऐड करूंगा, सार्थक की आत्मा ये है जितेंद्र इसने किया है सब कुछ। नहीं नहीं वो और उनकी ये पत्नी भी खड़ी है यहाँ पे, उन्होंने भी उनको जो भी, वो खुद भी डेंटिस्ट है, वो भी पूरा इनसे कंधा से कंधा मिला के करते हैं, और इन लोगों ने मिलके, और इनका स्टाफ इनका बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल इनके साथ काम करते हैं, और यही सार्थक की आत्मा है। बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल, धन्यवाद। एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन।